अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकील म्यू डायनेमिक स्किल डॉट कॉम की तरफ से, और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि यूट्यूब पर जो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं उनको प्रॉपरली यूट्यूब सर्च के हिसाब से किस तरह से अपलोड करें, उसके टाइटल के डिस्क्रिप्शन क्या लिखें, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स, और उसके अलावा यूट्यूब वीडियो का थंबनेल कैसे यूज़ करेंगे, तो ताकि हमारी जो वीडियो है वो YouTube सर्च में रैंक कर सके और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बढ़ सकें, उनको में इजाफा हो। तो जाहिर सी बात है, जब तक तो कोई चीज़ सामने नहीं आएगी, कौन कोई किस तरह से देखेगा और कितने लोगों को हम वैसे मैन्युअली और WhatsApp Facebook पे खुद से शेयर कर करके बताएंगे, तो बेहतर तो ये है कि हमारी वीडियो जो है वो प्रॉपरली रैंक करे, ताकि लोग जब भी कोई YouTube में सर्च करे तो हमारी वीडियो सबसे पहले यहाँ पहले पेज पे कम से कम आए। तो उसके लिए हमें जो वो प्रॉपरली हमें टाइटल लिखना होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी और वीडियो के रेलेवेंट जो है वो टैग्स को मेंशन करना होगा। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। वीडियो अपलोड पर क्लिक किया तो ये पेज सामने आ गया। यहाँ से हम अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे जो ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये अपलोड होना शुरू हो जाए। मैं ऑलरेडी इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ये तकरीबन 95% हो चुकी है। तो आइए हम देखते हैं कि हम अपना टाइटल जो वो किस तरह से लिखेंगे। ये ऑटोमेटिक उसने वीडियो के टाइटल से जो है वो डिस्क्रिप्शन सॉरी वीडियो के टाइटल से यूट्यूब में जब अपलोड किया वीडियो को, तो उसने वहां से इसका टाइटल पिक कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इस टॉपिक पे हमारी वीडियो है वो उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे। अगर कोई हाउ टू की वीडियोज है तो उसको, जिसमें हम कोई चीज़ सिखाने जा रहे हैं तो उसमें हाउ टू का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाउ टू वीडियोज़ या रिव्यू वीडियोज़ या कोई इन्फॉर्मेटिव, कोई भी आप अपने टाइटल के हिसाब से जो आपकी वीडियो के रेलेवेंट हो। तभी ये मेरे बोया M1 माइक है, उसके हवाले से इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें इसके बोया M1 की माइक की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और उसको किस तरह से मोबाइल के साथ अटैच वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, जो जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने, ये आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल लिखा रिव्यू बोया बाय M1 माइक फॉर यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग, और सेंटर में मैंने पाइपलाइन है वो डाली, उस पाइपलाइन डाली, उसके बाद मैंने चैनल का नाम लिख दिया। आपने भी सेम इसी तरह करना, और एक चीज़ का ख्याल रखना, आपने कोई रिपीट एक लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल टाइटल में नहीं करना। उसके अलावा आपने कोई स्पेशल करेक्टर जो है वो आपने नहीं यूज़ करना, कोई कॉमा, कोई ब्रैकेट्स, कोई हैशटैग, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें। और दूसरा कुछ कोई टाइटल में मिसलीडिंग जो है, किसी चीज़ को आप वीडियो कुछ है टाइटल कुछ दे रहे हैं, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। इसके अलावा आपने पोर्नोग्राफी के हवाले से, सॉफ्टवेयर हैकिंग क्रैकिंग के हवाले से, कोई भी चीज़ इस तरह की जिसके किसी पार्टी का नुकसान होता है वो इसमें टाइटल में मेंशन नहीं करना है। तो प्रॉपरली ये इसको और अकॉर्डिंग टू योर वीडियो, अपनी वीडियो के हिसाब से आपने टाइटल को मेंशन करना, टाइटल को लिखना, ताकि आप जब कोई सर्च करे। अब यहाँ पे मैंने बोया बाय M1 जो हमारा माइक है उसको मेंशन कर दिया, वो क्या रिव्यू को भी मेंशन कर दिया, किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यूट्यूब के लिए यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर दिया, और रिकॉर्डिंग, जाहिर सी बात है जब माइक हमने इस्तेमाल करा तो रिकॉर्डिंग के लिए। ये एक प्रॉपर टाइटल हो गया कि बोया M1 क्या है, उसका रिव्यू, जाहिर सी बात है ये रिव्यू है कि क्या करना है, कि क्या चीज़ है, किस तरह का है, और उसका नाम आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, उसके बाद कहाँ पे किसके लिए हमने वीडियो, यूट्यूब के लिए वीडियो, जाहिर सी बात हम यूट्यूब पे को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि यूट्यूब का टाइटल किस तरह। तो दूसरा यूट्यूब के ही हवाले से हम चैनल चला रहे हैं, तो यूट्यूब का लफ्ज़ भी, कीवर्ड भी मेंशन हो गया, और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी मेंशन हो गई। ये एक प्रॉपर जो है वो टाइटल हमने मेंशन कर दिया। इसमें आपने हैशटैग, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें टाइटल में आपने हैशटैग का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद हम आ जाते हैं
डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपने दोबारा टाइटल को रिपीट नहीं करना, एक या दो वर्ड इस्तेमाल कर लें, इसके अलावा पूरे का पूरा जो टाइटल है उसको उठा के आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। मेरा सजेशन ये है, कहीं यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें इसको प्रॉपर। और दूसरा, जब आपने वीडियो स्टार्ट की तो आपने देख रहे होंगे एक हाउ टू क्रिएट अ चैनल वाला लाइन लिखी हुई थी, वो मैं इसको हम चलते हैं यूट्यूब की सर्च की तरफ। मैं आपके साथ एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हमने, क्या चीज़ है जिसको ये जो पहले था वो उसी को मैं लिख देता हूँ, हाउ टू क्रिएट। इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सर्च में पहली डेढ़ लाइन आती है, हाफ एंड वन एंड हाफ लाइन, उसको हमने जो है उसके ऊपर हमारी तवज्जो होनी चाहिए, हमें हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो किस तरह का हो। देखे ये तैमूर भाई की पहली वीडियो जो है रैंक कर रही है, तो उन्होंने 9 महीने पहले की थी, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल इन 2020 एंड अर्न मनी। इसमें इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड 2020 मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब क्रिएटिंग। ये इस चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में, कोई सर्च करे तो उसको पता हो कि इस वीडियो में है क्या। तो इस तरह ये पूरे एक प्रॉपर वीडियो लिख दें, उसके बाद आपने जो है टैग्स का इस्तेमाल करना है, वो मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ 3 टैग इस्तेमाल करें डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसके ज़्यादा ना करें। अगर आपके जो टैग्स हैं वो 15 से ज़्यादा होंगे तो आपका कोई भी टैग जो वो यूट्यूब नहीं उठाएगा और उन सबको इग्नोर कर देगा, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। इसके अलावा यूट्यूब जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें आपने पोर्नोग्राफी, नेडिटी, मिसलीडिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, इस तरह की चीज़ें, फ्री सॉफ्टवेयर जो पेड है उनको कहें कि आप फ्री सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों का टैग, इन चीज़ों को मेंशन नहीं करना, इनसे काइंडली अपनी यूट्यूब में इसको इस तरह से मेंशन ना करें, ये यूट्यूब की पॉलिसी वायलेशन के खिलाफ है, यूट्यूब पॉलिसी वायलेशन है। इसके बाद ये मैंने कुछ प्री मेड मेरे लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ें इस तरह आप डाल सकते हैं अपने यूट्यूब अपने वेबसाइट पे व्यूवर्स को भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का जितने भी अकाउंट्स हैं वो वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा अपने जो व्यूवर्स हैं उनको आप फोर्स कर सकते हैं कि आप वो आपका चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद आ जाएगा टाइटल, यहाँ पे थंबनेल, ये थंबनेल मैंने बनाया था, यहाँ से आप जो आपके पास आ जाता है, आप यहां से ये थंबनेल ऐड करेंगे, यहां क्लिक किया, अभी मैंने अपलोड कर दिया था। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं हो जाता है काफ़ी लोगों के साथ, हुआ क्या मैं सारी यहां तक पहुंच गया था वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, लेकिन मैंने जो कैमतासिया के कैम रिकॉर्डर है वो उसको ऑन नहीं किया, तो इस वजह से ये चीज़ें जो सारी मैंने पहले, अभी इस वीडियो को मैं दोबारा से रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया था, तो इसलिए दोबारा ये यहां से चेंज करके आप यहां से दोबारा अपनी वीडियो जो है थंबनेल उसको अपने कंप्यूटर से जो आपने बनाया वो उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं प्लेलिस्ट। अब ये इसको आपने प्लेलिस्ट का फ़ायदा ये है कि आपकी वीडियोस एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं और जो उनको आसानी से आप लोग जो है व्यूवर्स हैं वो आपके सब्सक्राइबर हैं वो इजीली उनको पता चल जाता है, और ये बेहतरीन एक तरीका है कि आप हर भी अपनी वीडियोज़ को एक उनको कैटेगराइज कर लें और ताकि आपके जो चैनल के सब्सक्राइबर उनको ईजिली वो चीज़ें मिल सकें। तो इनको ये रिव्यू के मैंने ये इसको मैं डालूंगा इन्फो मीडिया में, यहाँ पे इसको डन करूंगा। इसके बाद है ऑडियंस, ऑडियंस में है कि इन दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, तो डेफिनेटली ये बच्चों के लिए नहीं है, इसको आप कहेंगे नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। और एज रिस्ट्रिक्शन अगर कोई चीज़ें कुछ मतलब एज के हवाले से की हुई हैं तो आपको लिमिटाइज करना चाहते हैं कि इस ले एज के जो बच्चे हैं, एज के जो लोग हैं सब्सक्राइबर वो वीडियो देख सकें उनके सामने आए, तो आप यहां से एज रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। इसके बाद क्लिक करेंगे मोर की ऑप्शन पे, मोर में अब अगर मैं इसका रिव्यू जो बोया बाय M1 है इसको मैं एज ए एफिलिएट इसकी मार्केटिंग कर रहा होता, इससे मुझे कुछ अर्निंग हो रही होती, तो फिर मैंने डेफिनेट, और इसका जो एफिलिएट लिंक है मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दिया होता, तो मुझे ये वाला माय वीडियो कंटेन्स पेड प्रमोशन लाइक प्रोडक्ट प्लेसमेंट और एंडोर्समेंट इसको क्लिक करना था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको जो है वो इग्नोर कर दूंगा। इसके बाद है टैग्स,
एक तरीका तो ये है कि हम जो हमारी वीडियो है उसके हवाले से इसको लिखें बोया, पहला बोया कम बोया बाय M1 YouTube रिकॉर्डिंग, इस तरह। और इसके लिए हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो फ्री टूल्स हैं, वहां से हम किसी भी यूट्यूब की वीडियो उसका उसके टैग को उठा सकते हैं। लेट्स सी कि वो किस तरह से हम करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं किसी भी बोया बाय M1 रिव्यू, ये मैंने सर्च किया। यहाँ से हम जो वीडियो देखते हैं जो टॉप है उसकी, अच्छा जी ये मैंने बोया बाय M1 रिव्यू तनवीर असगर या तनवीर भाई के चैनल की ये वीडियो है, इसको मैं यहाँ से हम कॉपी करते हैं वीडियो का यूआरएल लिंक और ओपन करते हैं ये वेबसाइट यूट्यूब टैग जनरेटर, यूट्यूब टैग जनरेटर, इसको इसमें हम वो वीडियो का लिंक ऐड करेंगे। और ये बता रहा हूँ कि हम किस तरह से जो है किसी भी वीडियो के टैग जो फ्रीली, अच्छा ये यूट्यूब ytubetool.com ये वेबसाइट है, यहाँ से हम यूट्यूब के टैग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जो अभी मैंने तनवीर भाई की ये वीडियो की यहाँ से यूआरएल कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे और फाइंड टैग, जो भी तनवीर भाई ने टैग्स इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के आ जाएंगे। इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उनके जो है किसी की भी डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ उठा लें, बल्कि खुद से लिखेंगे तो मच बेटर। हाँ आप टैग्स उठा सकते हैं, टैग का कोई इशू नहीं है कि किसी ने क्या यूज़ किया, बल्कि इसी तरह ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको अच्छे और अच्छे जो है वो टैग्स आपको मिल जाते हैं। आप कोशिश करें जिन वीडियोस के जो वीडियोस रैंक करती हैं सर्च में उनके टैग्स जो है वो उठाया करें, अपने से लिखेंगे। अगर आप खुद से अच्छे टैग्स लिख सकते हैं तो वो तो सबसे बेहतर है कि आप टैग्स का इस्तेमाल करें और उनको ओके आई एम नॉट रोबो। अच्छा ये तनवीर भाई ने जो टैग्स हैं वो लगाए हुए हैं, ये उनकी, ये देखें उन्होंने बोया ये सारी चीज़ें लिख के, इसके बाद अनबॉक्सिंग MKC और इनको हम कॉपी करते हैं और अपनी डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग अनबॉक्सिंग ये सारी चीज़ें, और ये आपने ध्यान में रखना है कि रिपीट टैग्स को रिपीट नहीं करना, एक ही टैग को बार बार इस्तेमाल नहीं करना। ये आप चीज़ें इन चीज़ों को का ध्यान रखें, इन चीज़ों को नोट रखें। ये हमने इस्तेमाल कर लिया, इसके बाद हमारी जो वीडियो लैंग्वेज क्या है इसमें अब मैंने उर्दू में ये वीडियो रिकॉर्ड किया तो इसको मैं मेंशन करूँगा उर्दू है, ये उर्दू आ गया। कैप्शन नो कैप्शन, इस वक्त कोई कैप्शन नहीं है, ठीक है जी। कैप्शन सर्टिफिकेशन नो सर। और इसके बाद वीडियो लोकेशन क्या आपने कहा, वीडियो डेट आज की है तो इसको मैं आज 10 सितंबर कर देता हूँ। इसके बाद क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आप एज इट इज रहने दें, ठीक है जी। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, क्रिएटिव कॉमन है, कोई भी मतलब फ्रीली है। इसके बाद कैटेगरी क्या है जी, कैटेगरी एजुकेशन है, आपकी जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक एंड डिसलाइक दिस वीडियो, आप जो आपके लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं वो अगर शो करवाना चाहते हो यहाँ से, अगर नहीं शो करवाना चाहते कि कितने लाइक्स हैं कितने डिसलाइक्स हैं, इनको अनचेक कर दें। ये हमारे पास वीडियो का लिंक आ गया जो हमारी वीडियो है, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। एंड स्क्रीन आप अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें एंड स्क्रीन लगा दें, फिलहाल मैं नहीं लगा रहा हूँ। कार्ड्स हैं जो ऊपर नजर आते हैं वो हम
प्रमोट कंटेंट ड्यूरिंग वीडियो, चलो ये हम ऐड कर लेते हैं अभी क्योंकि वीडियो ही नहीं ऐड हुई, तो इसको मैं ये इसी को करना चाह रहा, तो इसको मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये तरीका है, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। और ये है कि जी सेव टू और पब्लिश, अभी आप सेव करना चाहते हैं नेक्स्ट, जब अपलोड करना चाह रहे हैं कल के लिए परसों के लिए शेड्यूल्ड है, या फिर अभी से पब्लिश जो है वो भी सेव और पब्लिश। अब इसमें क्या है, सेव और पब्लिश में क्या है, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है और पब्लिक है। जी डेफिनेटली हमारी ये जो वीडियो है ये पब्लिक के लिए है, तो इसको हम पब्लिक करेंगे। शेड्यूल्ड नहीं है कि अभी मैंने इसको सेव कर लूँ और कल ऑटोमेटिकली से हो जाए। आप लेकिन आप कर सकते हैं कि आप अगर आपके पास दो तीन चार वीडियोस हैं, आपने एक दिन में बना ली हैं, लेकिन आपको आप ग्रेजुअली उनको पब्लिश करना चाहते हैं, एक को कल एक को परसों, इस तरह से आप कर दें और उनका शेड्यूल जो है लगा दें, यहाँ पे डेट उसकी मेंशन कर दें कि कब वो आपकी जो वीडियो वो जो है वो अपलोड हो और पब्लिश हो जाए। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें थी, ये तरीकाकार था कि किस तरह से हम अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे, उसके टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन और उसके टैग्स को प्रॉपरली किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और रिव्यू और जो है थंबनेल का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। और इसके बाद जब हमारी वीडियो फाइनल हो जाए तो इसको हम पब्लिश कर देंगे। पब्लिश, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगी और इसके बाद ये पब्लिश हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करना है, आपने 1 घंटा तक इसको शेयर नहीं करना। और फिर ये इन चीज़ ये जैसे अभी हमारे पास आ गया कि आप फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, रेडिट, टम्बलर और काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है इनकी, पिंटरेस्ट वगैरह, इसमें आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जैसे कि मैंने, कुछ भी ना करें, कुछ शेयर ना करें, कर सकते हैं लेकिन शेयर ना करें, उसमें क्या है कि फिर अपने कुछ दोस्तों के साथ ये जो लिंक, ये अपने जो वीडियो का टाइटल है इसको शेयर करें, उनसे कहें कि यूट्यूब की सर्च में जाके इसको सर्च करें, इस तरह से क्या होगा कि आपकी वीडियो सर्च में आ जाएगी, रैंक करेगी। 20-40 जितने भी आपके दोस्त हैं उनको, जो आपके क्लोज हैं उनसे कहें कि आपकी जो टाइटल है उसके हिसाब से सर्च करें। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप लोग जो है वो इसको शेयर कर सकते हैं। ये टिप है एक कि आप लोग को जो वीडियो को रैंक करने के लिए एक शॉर्टकट टिप है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।